Chief Justice, Supreme Court, Iftikhar Mohammed Chaudhary Sahab, Hossain Harun Sahab, Adi Nurulda Shah Sahiba, Mata Rashti Sahiba, Ejaz Mangi Sahab, Dr. Ayub Sheikh Sahab, Ahmed Shah Sahab, Kamal Mustafa Qazi Sahab, Rauf Sasoli Sahab, Gichki Sahab, Anisa Mehman Sahiba, Karamat Ali Sahab, Qaumi Awami Tehreek ke Mezban Sathiyo, Samne jo Sahafi Dost Baithe Hain, Nasir Gopan Tha, Qazi Asif Tha, Zulfikar Rauchu, Dusre Dost, Mozzin, Sindhiani Tehreek ke jo Agwan Bainaroon, Qaumi Awami Tehreek ke Dosto, आऊं कौमी अवामी तहरीक कराची डिवीजन के मुबारकबाद तो दियां तो मुझे तनकीद मुझे धड़का बुझंदे बुझंदे और रोज धड़का दिन दिया मुझे कम है रुगो पोड़ी डाडी वांगर धड़का रहे हैं पोड़ी डाडी भी रुनिया ना दे छोरा दरवाजो बंद कर की छोरी टांकी कौन भरे करो कौन नहीं भरे सो यो मु जिम्मेदारी कहीं है रुगो मां से तनकीद करण है उनके ठीक करने की कोशिश उन्हें सभी के मुझे धड़का सा दे उन्होंने एक कामयाब प्रोग्राम किया आ उनके मुबारकबाद तो दिया डॉक्टर अजीज सालपुर साहब असर सीनियर दोस्त मौजूद है इसरार शेख साहब बैठो है वहीद साहब बैठो है जना दोस्त सब जे के दोस्त आया उन्होंने सब ने जो थोड़ा है तो है टाइम कटे हूं चौधरी साहब अगर मुझे कहा जाए कि पलीर साहब को रसूल बख्श पलीर साहब को एक होता है कि बंदा कहे कि फला शख्स मेरा वालिद है और बाकी दूसरी चीजें हैं दूसरा तरीका कि पलीर साहब एक बिल्कुल अजीब व गरीब एक बिल्कुल यूनिक किस्म की हस्ती थे और हैं और हुस्न इत्तेफाक से मेरे वालिद भी तो उनको अगर ट्रिब्यूट पेश करना हो अदा इंतजामी कमेटी बात कर रही है बाबा तू ताल जान सक तो वही रे बस आने हाँ बस वैर कर गला कुछ समझ सा अगर मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूं तो आई वुड लाइक टू बोरो फ्यू वर्ड्स फ्रॉम हमारे एक और अजीम शख्सियत फैज साहब से शायद उन्होंने ये सितरे ये अल्फाज अपने जहन में बहुत रसूल बख्श पलीर साहब को रखते हुए लिखी हैं कि हर एक दौर में हर जमाने में हम जहर पीते रहे गीत गाते रहे जान देते रहे जिंदगी के लिए साते वस्त की सरखुशी के लिए दीन और दुनिया की दौलत लुटाते रहे फिक्र फाका का तोशा संभाले हुए जो भी रास्ता चुना उस पर चलते रहे माल वाले हकारत से तकते रहे तान करते रहे हाथ बलते रहे हमने उन पे किया हर्फ हक संग संग जिनकी हैबत से दुनिया नरसती रही जिन पे आंसू बहाने को कोई न था अपनी आंख उनके गम में बरसती रही सबसे ओझल हुए हुक्म हाकिम से हम कैद खाने सहे ताजियाने सहे लोग सुनते रहे साज दिल की सदा अपने नगमे सलाखों से छनते रहे खूंच का दर का खूंच का आईना दुख भरी खल्क का दुख भरा दिल है हम तब भी शायर जंगा है अब्दो सितम मुनसफे खैर और शर हक और बातिल है हम हर एक दौर में हर जमाने में हम जहर पीते रहे और गीत गाते रहे रसूल बख्श पलीर जो नाम है जहर पीने का और गीत का रसूल बख्श पलीर जो नालो हो न नालो आए पंहिंजे हयातीअ जे हिकड़े हिकड़े पल में जंग कर
सुबह जो उठी पंजे बजे छह बजे चाय के कोप पीण का साथ वी उन मानू की जिंदगी के हर पल के नए आइडियाज के तलाश में नवन मुहाजन से नयू फौजू तैयार करे नवन मुकाबले की तैयारी करें वकालत हुए सियासत हुए डाम खोलनी है जंग खोलनी है काविश अवामी आवाज एक्सप्रेस काविश बार खोलनी है दी न्यूज एंड नेशन पढ़नी है पीपल्स डेली पढ़नी है प्रवादा में का खबर दिसनी है टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स खलीज टाइम्स गल्फ न्यूज पढ़नी है उनमें गड़बड़ दिसनी है सभी मांग के गल करो निशानदेही करनी है गड़बड़ है वो पांचो वास्तो उन सुधो हो न चीन की खबर बेजिंग की पंज ताल्लुक न हो पर उन पान के सारी तरह तैयार करो नंबड़ी नंबड़ी शुभ सोचो तो मुझे सदे चई मुख्य चई पलि साहब मुझे चई मुख्य लगे तो नंबो चाहिए घर में जो घोड़ थे जो बाबा चो चे उनमें मूसा ये थे तो या सब समझ ची मुहारे घोड़ में माने बुझी कटे मिले मुझे हाँ नंढड़ो मुझे बाबा हम पूछा तो क्या तो तार घोड़ में बूटी चोरी कर गया अम्मा के चल अम्मा चो तेरे पिने के चो दुआ करे तो पटाखन के घोड़ में बूटी जमी पटाखन के घोड़ में बूटी नहीं थी तो बाबा पर वकील को ना चे यो तो खड़ी अज जो मामलो है पटाखा पर हर हफ्ते बूटी गुम थी हुई हाँ वो मानो बूटी की काल करे चाय के कप में चौधरी साहब एक दफा उन्होंने मुझे में छोड़ा था उन्होंने कहा झाग नहीं हो रहा तो मैंने कहा शेव करते हुए तो मैंने देखा कि वो बराबर में जो चाय का कप था उसमें शेविंग ब्रश डुबो के उसको लगा रहे थे और कह रहे थे झाग नहीं हो रहा तो एक आदमी गिची का भी थे शेव की लगो गिची की थी चाय जो कोपा मचाए चल रहे छो तो उन्हें पाने की अटेंशन ध्यान दे पास उन्हें मानो जो ध्यान चाय के कप पे गिची थे होई कौन उन्हें ध्यान होई कौन ताकि घर में छाप हो रहा है तो उन्हें जो ध्यान होई कौन तो मुझे गाड़ी पड़ी है 69 की कोरोना आता जो गियर वाली वो बिची है रस्ते बिछाए दादू वो के बाबा बाबा ने तो कहे एक्सीडेंट थे बदो सो ये कौन जो तो सामू गाड़ी पे आई ये सेवन रोड पे सीधो आ न सुबह जो दादू वने ना बीठल गाड़ी ट्रक बीचे में कोया में यही है वो और चाहिए चाहिए तो ये गाड़ी विच रोड पे कोटड़ी बैराज के विच पे बीची छोड़ आए फजर जो टाइम को कोया में बत्ती आगे कौन पे बड़ी लगे हैं उनकी अटेंशन हर वक्त पाड़ सोचू था सिंध पाकिस्तान उप सोचू तो पियो वेंजुएला जिम्बाब्वे छापे थे उते आलंद जो छापियो छापे थे रूस में क्रोशियफ छापे गए कनेडा में क्रोशियफ ब्रिज ने असा के किरण कांडेरो नाला के बजाय हर वो नाला याद हो के को याद मंगी असा के को एफ लगी पई जो क्रोशियफ ब्रिज ने आंद्रोपोव सजो ने घर में गाली हुई थे लांग मार्च माओ ही के चोए ला एडा वो फलाण को माओ ही के पर न कपो वरी के ने बाबा के बुझाए जे त हाने सुत साही ते किथे फलाण जा के तो जो फलाण प्रोग्राम को दिसा प्रोग्राम वालों को बता सकते ने इतना को जब तो उनके डरो मोरे जो फलाण के ना बियो को अरे मोबाइल का तरकीर पे वेश होकर आ पूछे ते कैसा इंटरव्यू आ मते इस्तेमाल ला क्या हो इस्तेमाल मोहम्मद चेंज में लालच आया के जवाब दहा जवाब दे को दिसा इन जो तू सीधी उठाए मांग के लिखा ना मुझे बाबा YouTube पे पियो YouTube पे कहते सो सीधी उठाए को जवाब आने पड़े कचरी कर मुझे बाबा आ वो कले सुबाने पड़ी मुझे अजीत अच्छा का क्या होते को ना वेले कराची हम सुबाने पड़ी क्या वही थोड़ी देर से ही फोन पर कचरे लेके चेस वही वो फोन की ठीक पर पान सुंदरी सूरत ते को लगा सा पान चीन अफ्रीका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड के करे लास्ट टाइम हम लोग सास घर वफात का बड़ा दायरा मैंने आज में मुझे यार जी मुझे जी कि सजे सुनते में जगह हाईवे है
इन हाईवे से जेको मानू अचे तो बड़ी कढ़ाई ग्रोसरी होटल लाए को न लगे पंचर जो दुकान आए वो पंचर दुकान लगे पेट्रोल लाए तो तेला घणा मानू रह पे ये खबरदार न थी इतरा कढ़ाई ग्रोसरी होटल खुलन पयो इते केड़ा मानू पे अचे इते तालिबान मानू तो कोन पैसा वो तो कोन थी लिखी आबाद पे अचे मुझे को खबर रखूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कयो मेरे वाज तो ये ना वाली फोन की है तो एकड़े जिले में बदी ने उमर कोट का पर्याय करे जिले में फोन की बे वरी दादू का पर्याय के शहर में फोन की बिन आराम के उन के जी बस बना आया सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया और जो सही तकर में फसल उठा के और पर ये अपनी मीटिंग रखे ला पोका ला के चले गए फोन के उन जो से सुख सारी जवाब दे तकर को ना के पर सुबह ना पर ये मीटिंग में सलाह करना सी वो कह जी कि दसी तो आओ की बधो पे है पर इन समझियो क्या थोड़ा ही नहीं इसी तो आप किए बदलो पे हैं पर इन जंजीरों के आप तोड़े जाएंगे उस पर ये सब सारी जिंदगी जंजीरों तोड़े सारी जिंदगी पंजो साहब वो मानो हो जब अपने धीर है अपने पुत्र के जगह डाल बेल जी धीर है पुत्र के ताकि न कदो वो अपने धीर दे अपने को जगह ने बेल जी जब वही भेड़ बेचिया समुफाकरा इन्हें के चीज तो लेक्चरशिप का अनीता एजाज की घरवाली डॉक्टर मैं रसूल पर जो होने यानी पांजी थियो घर में बैठो जन उन जो हक बक्सर आए हो जे उन की पसंद की शादी न थे हो जे ओ अठो कोई नहीं हो जन ए तेल के बा और में बाहर निकले जमाने की बात के और पे बराबर आए औरतों को बराबरी के यकसान हुकूक मिलने चाहिए खवातीन और मर्द साथ हैं बाहर सारी ताली बजा जाए मानो सारी संद गद है पहले घर में माई अठो जी कोई मेरे की चोड़ चढ़ा दो दे दोस्तों रसूल पर जो जाल जरीना बलोच सिंगर आर्टिस्ट ड्रामा आर्टिस्ट कहानीकार राइटर टीचर नसीम थेबो लेक्चर सनिलस्ती उस्ताद प्रोफेसर रुकैया बेगम टीचर उस्ताद भी अमरे में चाहिए वो आप असन ही है जी शरीफा वो आप मुकाबलो करने वाली जेड़ो करने वाली और एक तक पढ़ाई का भी पर वो आप शहर में निकली मुकाबलो करने मानो लोग का सुख हुआ तमाली माहौल वाली मां बाबा की पहली घर वाली बड़ी अमर वो आप कमाल की बात हो रही है भेणु लेक्चर प्रोफेसर धीव तानिया इंजीनियर अनीता सब पढ़े शहनाज मुझी भी भेण ड्राइविंग गाड़ी वह घनी प्रोफेसर डिग्री कहाँ वठी सकी पर वह पाण ड्राइव कर दिया इंग्लैंड स्कॉटलैंड घूम फिर गल भाणे जो भाई जो सब उन सभी के वह सब इख्तियार बराबरी वाला शादी मुझे पीए का अनीता एजाज की शादी कौन कराई मुझे पीए के अनीता एजाज है मुझे अमर बुधायो तो अनीता की एजाज से शादी पी थे बाबा उन शादी में वो पे धीए अपने नाते लगा बैठो उन्होंने मुसलत कौन की तो शादी अदा करनी है मुझी शादी को बाबा कौन की लेते करे हद तक भी भेड़ से नाम नदी नहीं पहुंचे आसरे मान तो बुधान तो क्या रसूल पर जो को चाहंदो वो चाहण से अमल कर दो ये मुमकिन हो तो रसूल पर जो ताने एक गल बुधाए अंदर भी गल बैठो आखिर में वो बीमार थी वो कमजोर थी वो 80 साल का और ये उम्र बथे थी वही 82 साल एकड़ मानू जैसे ऑफिशियली 1930 की कहला है पर उन्होंने जी बाबा कहने के चलो तो 1926 की पैदाइश है या मुझे 18 की है वो एक ईयर गैप कोनन वो मानू 2018 तक सोचो 80-82 साल बीमारी कमजोरी गाल दूसरे वने याद की हले वने ऐ बहुत जरूरत करवाऊ के हमारी गाल याजू की माजू जो घेरो हमारा याजू की माजू जो घेरो थोड़े परिवेश आउन का कोई जंग जो तेरे करे वो जंग में रहन मुकाबलो करन यमी दियन उन रसूल बख्श परिजे के याद करे आओ ताना के भाई तो डेली तो क्या उन रसूल बख्श परिजे के याद करे आओ ताना के खुदा खुदाण को चाहे इन प्लेटफॉर्म का कौमी आवामी तरीके की प्लेटफॉर्म का कराची गिरियन के प्लेटफॉर्म का हेस्तानी वक्त साबित करो अगते वक्त साबित करो तक कौमी आवामी तहरीक हर दौर में हर वक्त में उन पासे बेंदी जै पासे सिंध जो दायमी मफ़ा जिते कौमी आवामी तहरीक होंदी उते रिंकिल कुमारी ते अखबार कदरन के टिकट जारी कौन थी दी कौमी आवामी तहरीक मफ़ा जिते कौमी आवामी तहरीक होंदी उते सिंध के पानी के बंद करने की साजिश प्लान कदरन की मज़ामत थी दी आया बुधाया तो
हीर के तादन के पोए के तादन के मुस्तकबिल के ईगर पॉलिटिक्स के पीपल्स पार्टी के पीटीआई के पीएमएलएम के जीडीए के तो सुभाने सिंध की विरासत कंदड़न सा जे कने काब गुर गड पियंदी सिंध के धार करण के मुदाल में कंदड़न सा कैंप गुर कंप्रोमाइज कयो त अवामी तहरीक जे हजारे सालन के रसूल सुपरी के डीएनए में कल वरसत कौमी अवामी तहरीक उन सियासी गठजोड़ के पंजे जूते के नोक ते रखी उन सियासत के हथानी करेंगी रात को अपने बच्चों और खवातीन और बूढ़ों के साथ
दिसंबर में कोयटा के रस्तों पे आके बैठ गए और तीन दिन सख्त सर्दी में ऊपर से पानी गिर रहा था, बारिश, सख्त सर्दी में छोटे छोटे बच्चे और हजारा बहने हमारी बची थी और आपने देखा कि तीन दिनों के बाद बलूचिस्तान की हुकूमत बन गई। तो क्यों नहीं निकलते करते हजारों लोग और मिट्टी से नगर पार कर कोर्ट की शाला पर या मिट्टी और पतीन की या छुड़ो और मिट्टी की शाला पर क्यों नहीं आते हजारों लोग बैठ जाते कि थर के बच्चों को मरने नहीं देंगे। वो आके बैठे, हम उनके साथ बैठेंगे। और सिंध में है कौन जो सबके साथ होता है? सिंध में सपनी सा के तो हुंदो के रहे सिंधियों तो भी सचिव तक आयो पतीन कह वाली तलहार में पतीन की हकन ला रहे हैं कभी सिंध में आए तो भी वो सब पोस्ट तो रखो था सोशल मीडिया से पोस्ट तो सोशल मीडिया सब रखना है वो तो बाबा रीना रवीना खजी वही हूँ रिंकल वही लता आली वही आशा आली वही दहर की में बनी हजारे मानों खड़ी दहर की शहर में रैली केर कर दो आ तबाह के खबर है केर कर दो आ कहने कहे दारी रण सोलियन आजकल तो सब का सोलो है सोशल मीडिया देश तबाह तो चाहते हो कि मुझे तो बजट तबाह सुधर कर पड़ा लाया कि मुझे तो बजट बाकी जो पानी पता है अच्छो वरी थी नहीं जो पहले निकली है अच्छो तो ट्रेंड है अंदर अगे वाला तो अच्छो तो काफलो करे अली दस्त दे यूं जो तो अच्छो तो ट्रेंड है अगे हैशटैग की हैशटैग कयो बदीन के पानी दो हैशटैग दो रीना रवीना वापस दो वहां पर हैशटैग दो संविधान साहब को सुविधा और हैशटैग रखता जस्टिस फॉर सिंध जो लिखता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान हैशटैग रखी सुविधा पाकिस्तान में पाने डालर हेठा ले लो 107 वाले पापा हैशटैग रखी डालर हेठा ले लो तो हैशटैग रखी लो फौजू भारत वापस आ गई जो बॉर्डर था अफगानिस्तान में अफगान फौजू वापस हैशटैग रखी ने बस सोशल मीडिया पे हैशटैग 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 ठीक है हुको बेओ फैम कम बेओ है मैदान में निकलो पतो सिंध के न्याण लाए रीना और ने रिंकल लाए फजीला सर्किल लाए साहिब कोयल लाए इमरान चोखे लाए कतल थीदर आपदा बलाहन लाए बीबी मरी लाए सिंध जी नतालिया खास के लाए सिंध जी नायला रिंद लाए हिकड़ी हिकड़ी न्याणी लाए सिंध के बाहर निकलो पतो कौमी आवामी पहली के सकत निकलो पतो रसूल अफसरी जो सके ये रस नहीं हो रसूल दस कली जो संगे दस नहीं हुआ मौका पे जो ए मौका को करासी वणदासी ए वणदासी पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज पॉलिटिक्स मुमकिनात जो कम है एडो एडवेंचर को एडवेंचर से कौन करेगा सी जेडो आसिफ जरदारी पाजे पुटरा करायो आसिफ जरदारी के पाजी करप्शन में तहफुज करो पाण मैदान में मुख्य रुख न थे बिलावल असा की बहादुर भेण बेनजीर जो पुत्र है असा के उन ला प्यार में इज्जत है असा की भेण सुन के रिवायत होती है बाबा असा तो जी फलाण बाणे जो बैठो है असा की वही भेण भी बेनजीर मुश्किल हालत में बैठी आसमा बख्तार असा की नदी भेणो में असा जो बाणे जी उन्हें की करप्शन के पैसे बचाने का जरदारी के बेदर्दी सा बिलावल के इस्तेमाल कयो उन का तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स तो कर बिलावल जी के अलग शनाख पाया आबाद कर लाए हार लाए मजदूर लाए औरत लाए लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाए उन के करप्शन के दफा और करप्शन दफा पाण करया आसमानी जरदारी साहब पाण करया असली भेण फरियाल साहब पाण करया बिलावल के छरे दिया बाबा तू अकेले तुम सब भी तू हारन सब भी तू मारन सब भी तू कमाद के आपातकारन सब भी अने बिलाव बैठो शुगर मिल के मालिक अनवर मजीद के प्रोटेक्ट करे उनकी पॉलिटिक्स के ड्रेनेज को उन्हें के छड़िया हाँ वो लगभग ढले पा हाँ वो प्रोटेक्ट करे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हाँ यो हम ये कर देंगे वो कर देंगे चाहे हाँ तो बदीर के पानी भी हम ये कर देंगे सर इस दूर से कर दिया चाहे आप हैंड जो हवा पकते हो असली समझ में समझ के करप्शन के दफा लाए उन्हें मानो कि आने तैयार करें ना जल्दी बड़ी बोली उन्हें पॉलिटिक्स सही के डेमेज करें सिंध की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कौमी आवामी तहरीक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज के नजर में रखने गई जी रसूल अफसली के कहो रसूल अफसली जो फिक्र मौजूद पढ़
पढ़ो जो फिक्र लेन पढ़ो जो दास कैपिटल पढ़ो जो नजम अब्बासी लेन की कम्युनिस्ट पदरनामे जो तर्जुमो कराइंदो जो वैती वेटाली इंकलाब धराना का धक होचीमन जो आतंक कहानी तर्जुमा कर लिखो छपराइंदो रसूल खली जो एम आर डी के इजलास में उनके एकड़े पासे का मौलाना फजल रहमान हुंदो बे पासे ख्वाजा खैरुद्दीन हुंदो उनके भरसा एयर मार्शल असगर खान वेठो हुंदो उनके भरसा मलिक कासिम वेठो हुंदो उनके एकड़े पासे राव रशीद पंजाब जो आई थी हुंदो बे पासे मलिक मुख्तार रहमान वेठो उनके विच में कई वो राव रशीद ए मलिक कासिम ए असगर खान की पाल सिखो को कंदो वेठो असगर खान सा हुंदो मलिक कासिम ए चोदे उन सा ख्वाजा खैरुद्दीन सा पालसी रसूल बख्शली के पांजी ए सिंध जी ए पाकिस्तान जी ए मजलूम मानु के वो आल पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बैठो तो लेफ्ट के पुलिस साहब जनरल हमीद गुल बैठो रसूल बख्शली में थोड़ा सारे पास के पास जनरल हमीद गुल सारे अफसर के पास इमरान खान पर आए पास राजा जफर नक होना बैठो पास काजी हुसैन अहमद आल पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर उते रसूल बख्शली जो गाल कंदो सिंध ए पाकिस्तान के किरोड़े मान दे हकन जी उते इख्तलाफ थिलो त हमीद गुल के जवाब दीदो उनन सा बहस कंदो उनन सा इत्तेहाद में लगदो उनन दी पॉलिटिक्स में गद बोंदो त उते नाई सिंध जी ए मजलूम जी पा पॉलिटिक्स या होती है पॉलिटिक्स या में थोया गद मुसा हुसैन आलम साहब के बैठो है या कलाम अली साहब बैठो है असानी सबनी की एकड़ी लाइन बोली है असारे केतरे गालन दे इख्तलाफन केतरे दे इत्तेहाद है केतरे दे मुत्तफिक है ये सब साजिदा ने खुशबू लगाने लगी पे गयो ये सब खुशबू लगाने का मुत्तफिक है छा जिंदगी ये सब रसूल था खुशबू लगाए जान हमन जो खुशबू लगाए का साथ है जैसे यो गाने जो इंस्ट्रूमेंट वरिया है इंस्ट्रूमेंट वरी पूरो जो गानो आने जोगी ने कहना पे चवन दे पयो कम ने पयो साजिदा पलेगा वकील मुत्तफिक उतर है जज सा कोर्ट में भी तो जज ही पाजी रहा है वकील ही पाजी रहा है प्रोसिक्यूटर भी पानी रहा है और इधर केस हलाने वास केस हलाए जोगी रमता बना जज साहब बनी पहले घर खुश थे वही टेनिस के लिए छा वड़े स्तर है बाकी भले का मसाले सिंध के मानों के आज ही तौर के मुख्तलिफ इश्यूज से पाकिस्तान में समूरा पान था मानो पान था गलत था रसूल बख्शली जो सिंध की पॉलिटिक्स न करो सिंध की पॉलिटिक्स बिल करो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल करो एंड साउथ एशिया की पॉलिटिक्स बिल करो रसूल बख्शली जो रुगो सिंधी कोनो रसूल बख्शली जो हन आलम जो शहर हन दुनिया जो शहर हो ही वाज इंटरनेशनल सिटीजन हन करे सी हन करे हुसैन हारून साहब भी उनके सेलिब्रेट को करे अदी नूर भी उनके अप्रिशिएट थी करे अदी माता तो भी पार्टी में अदी हुसैन हारून साहब भी पार्टी में इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब भी पार्टी में सरबरा है कामन इशूज थे जने वकील की तहरीक आई तने रसूल बख्शली ने एक कठा ले सद में सवाल था आज मुझे इंटरव्यू करवा इतने हमरा हम टीम थे हम यूज मुझे जी ये एकाद बनाए रसूल बख्शली के साथ में आज आप लोग याद करें रसूल बख्शली साहब ने एकाद बनाए फिर फलाने का जीएम से नहीं हुआ हुआ तो कुछ नहीं पीपल्स पार्टी जीत गया था जीएम से तो नहीं जीता रसूल बख्शली जो भी नहीं जीता आप भी नहीं जीते वोट तो पीपल्स पार्टी जीता थी तो आपको फायदा मुझे आप ये समझ रहे हैं कि जीएम सही है रसूल बख्शली जो है जब बंद तो ही ओसमान पे जो मलिक खान नवार खान आपने तसव्वुर कर लिया है कि इन सब की ख्वाहिश थी का मेहमान ने एमपी या वजीर आजम वजीर आला बने इसलिए बेचारा नहीं बन सका नवार खान वजीर आजम नहीं बन सका रसूल बख्शली जो तो आपके ख्याल में फेलियर हो गए रसूल बख्शली जो एमआरडी में इसलिए नहीं गया था कि रसूल बख्शली जो वजीर आजम बनेगा वो इसलिए गया था कि दैट वाज मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वो गया था जियाउलक के एक भयानक एक बदबूदार उस दौर में जिसमें हेरोइन दी गई क्लच की तोड़ दी गई पाकिस्तान को आलमी सफों से काट कर एक अमेरिका के पीछे सफ में खड़ा कर दिया गया उस साजिश के खिलाफ रसूल बख्शली जो लड़ने गया था और वो टारगेट जिया के हाथ में के सूरत में एमआरडी ने अचीव कर लिया तो रसूल बख्शली को क्यों कुछ नहीं दे जीएमसीएन ने पैगाम लतीफ लिखा सिंध यूनिवर्सिटी बनाई किताबें लिखी सिंध के लोगों ने कौमी जज्बे को फरोग देने में रसूल बख्शली जो जीएम सैयद हैदराबाद जकोई इब्राहिम जोयो और सिंध की एक अजीम जायंट शेख अयाज का कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका ऐसा गया अजीम नहीं बना शेख अयाज का शायरी छुटी किताब छुटा शाह शेख अयाज साहब और देने में लोगों वजीर आजम तो कौन थे वजीर आजम की तो पूछे वजीर टके ने ठीक है
वजीर ने ठोकर मारा नहीं समझो मानो वजीर ठुक चलना वजीर मारना बोलना वजीर वजीर गुत्तू मारना भिक्कू टपना वजीर वजीर ने कह रहा कुछ गाल उन औरते ही कोई कौन दिया है गाल दिया औरते ते मानो क्यों चीफ जस्टिस कहे था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो नंबर चीफ जस्टिस कौन थे ये आंदो हमारा कि जैम तो चाया जैम तो चाया जैम ते पैरों दिल भली जो गोली जोगी ना कहना मिक्सर डाले किधर बैठा भली गोली मूसा कंची हमारा भली हो तेरे कर मानो तो नहीं ही था मानो वो एक बीएन था पैर खोले जमीन बीएन था ये कर तेरे कर ले है तो पर चलते कुछ बंदे हो बाबा ये कौन थे फरारों कौन थे फरारों ना मिसाल तो एक बिचे निजाम के खिलाफ तहरीक है पीर पागल के सरप्राइज पीर पागल को आम जलाल महमूद शाह बशीर कुरैशी कादिर बख्शी राशिद महमूद सुमरा खालिद महमूद बुरुजा के तो इस रुख ये सब कर वासी उनके परपस ओली में छाओ ओली में लो बिठे निजाम को खात को हैदराबाद में जे लखे मान जो समझ गल गए हो त रहमान मलिक ए शकुल निबाद ए बाबर ऐवान जो बिचो निजाम सिंध जे मान पज पेर ने खच थो छाए किसा जो ना तने करे जने तली के परपस ना बड़ो था फॉलो करना चाहिए तमाजी धीर के वो अख्तियार मिले तो तमाजा पुत्र जी पढ़ना चाहिए था तमाजी धीर के भी हक मिले तो वो अच्छा पढ़ना चाहिए थी वो राइट मिले ये वाला सुन लो सुन लीजिए ना तो तमाजी धीर जले आरंभ सारे की बालक थे थी और जले वो सनावट जो मामलों जो तो तेरे तमाजी धीर की मर्जी उन फैसले में अहम किरदार अदा करे यो रसूल को सुन लीजिए रसूल को सुन लीजिए आए मैं तुझे लालो आऊं पे जातो जे लश्कर ले लालो बोले तो होटल में जाए का जो कचे जो डर ना हो मुंशु में डर मत जो का खबर ना हो जो बायोलॉजी की फिजिक्स की केमिस्ट्री की डीएनए की का खबर ना हो जो ना एवोल्यूशन की ऐसे दी आए हो टोपी पाए उठाए अदरक पाए उठाए टोपी तो पाऊं चले पहले मौसी दी बजरा का पाए तो सब डाले सब जा अदरक को पाए जान तो तू पढ़ना हो तो हजार अदरक को पाए कसो अदरक को पाए अदरक का टोपी कड़े मथे ते आए टोपी जे मथे ते आए उन मथे जो मेजा लो गैरतमंद सिंधी मेजा लो है क्या कौन पर मेजा लो है टोपी और फस जाती थी अच्छा के जे कोले जे पेला है वो करोड़पति अरबपति वजीर जो पुछ लटकाओ पर्स है शालू है जूता खंड रहा है क्या उन अच्छा के जो मान रखी सिंध जे कौमी तशक हो रहा है यानी भी मुकाबलो कर रहा है दैट हैज टू बी सीन मैंने कह सकियो रसूल बख्श पली के ये तशखुस के पैदा कयो वही पाले घर में ए जे के दो नंबर जे के पैसन ते हलन था जे के अलाउंस ते हलन था जे के पैसन के बयान ते हलन था जे के माहवार पठारन ते हलन था जे के अरब पतन जे कुछ लाल टुकरन जे पोया लूस लूस करे हलन था जे के बात पाड़ो वेठन ते केरी मा अरब पति टुकरो चलाइंदो छपे खणी अंदासी उनके चटी नासी ओ इंटरप्रिटेशन कौन करता वफा खान दी रसूल अक्ष पली जी है अगर बम चलोई की टीएम से लची जुल्फकार ने भुटे जी आ वो जुल्फकार ने भुटे जे चैनल कमन के ऑन कर दिया तो मैं जुल्फकार ने भुटे पहले हजार खान के साथ जुल्फकार ने भुटे में हजार खूबियों जुल्फकार ने भटो असा जो असेट असा के जुल्फकार ने भुटे के बेनजीर भुटो पाजे हजार गलत सियासी पॉलिसी के बावजूद बेनजीर असा जो असेट है फैज अहमद फैज असा जो असेट है प्रोफेसर अजीज बिन जमील उमर असा जो असेट है असा जा ये सब मान अब्दुल समद अचक सही का मथी खैर बख्श बरी का मथी फैज अहमद फैज का मथी हबीब जालिब तई सदे पाकिस्तान का बड़ा मान सदे पाकिस्तान का बड़ा मान असा जो असेट है वो सदे असेट से इकरामत साहब वाला बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं जो साहब जो ये सर्कुलर ट्रेन में जेके मालूम थे कराची में दर बदर कर दो ने सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे में तो आखिर में जेके
मुख्य पलिए साहब की जिंदगी की तकमारों भी याद कर लीजिए, खूबी तो लें, फायदा भी लगे, मजा भी लगे, पर हर शख्स में कमहरू नहीं ना काला रहती हूँ। अरे सिंधी मानो घर में जगह पूछो अच्छा बार अच्छा मैं सर मैंने तो कहता ऐसा अलग छा तो कि मुझे मेहनत न मिली मोहब्बत ना माँ के मेहनत न मिली अच्छा बार मैंने तो ज्यादा सा ज्यादा मर्ड सत साल में पढ़ पंज साल में मर्ड मुझे मेहनत न मिली तो हर मानो की जिंदगी में आए मेहनत न मिली नौकरी का न मिली महरूमी पलिए साहब की गाल हुई तो मेहनत या पलिए साहब रो कहीं जे ए रोजगार लाभ दें जो चाहे वकील अरबपति हो जाए चाहे पुलिस साहब खरबपति हो जाए जबरदस्त क्रॉस एग्जामिनेशन कर दो वकालत में क्रिमिनल फील्ड जो ए वन वकील हो पुलिस पुलिस साहब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के रखे सदर में पहुंचो पर पुलिस साहब की महरूमी कड़ी हुई पर सी मुन कया जो कोशिश प्रेम है पेरिस का यार मुंह पेट भरण में वधी वण थी एनो मानु को मिले आसपास बचे सौ मिट्टी ना हम होते बचे सौ वड़ा मानु हो जाना देखे रसूल उस पर ये की पॉलिसी के कंट्री में बचे सौ मानु हो जाना तेरे करे वो है ना माहौल में है ना माहौल जो हिस्सों और ने बावजूद अजनबी चला बता तेरे क्या होता है पीए के याद तो क्या आखर में वही फैज है नफसन में तो वो छा सोची न होंगे ऐ खबर ना है वफात का पर घड़ी वालों में उनके जहन में कैडा क्या आलो थे वेंटिलेटर थे अनकांशियस का मालूम है क्या होता तो वेंटिलेटर थे मानो सोचे लोग पे जहन कांशियस होता फिजिकली मूव ना कर सकता था तो आओ बुके ये चाहे उन्हें इंटरप्रेट कर तस्वीर कर तो पलियों साहब क्या सोची नोंगो वफात का कुछ घड़ी वालों में तावई फैज का उदाहरण आपसे बचा आखिर में तो पलियो साहब मुझे ख्याल में क्या सोची न होंगे कि मौके मिले सा याद अचे सा या मुझे दिल छक जाए तो बाबा के किए पेश कया और इस जिंदगी में खामी या कमजोरी या खोट के लिए तो हूँ आज नबी है जलावतन हो फैज लफ्जन में मेरे दिल मेरे मुसाफिर वो फिर से हुक्म सादर कि वतन बदर हो हम तुम ते गली गली सदाएं करे रुख डगर डगर का कि सुराख कोई पाए किस यार नाम भर का हर अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना तुम्हें क्या कहूं मैं क्या है शब गम बुरी बला है हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार मरना